हेलो एवरीवन, ए वीडियो रे हमें डिस्कशन करिबा माइनर आउ कोफैक्टर विषय रे। फर्स्ट हमें माइनर एंड कोफैक्टर 2x2 मैट्रिक्स पे डिस्कशन करिबा एंड देन 3x3 मैट्रिक्स पे डिस्कशन करिबा। मुआ को आपन को बुझिया पे डायरेक्ट एकथरे एग्जांपल्स नै की बुझै छी सो दैट की आपन को बुझिया पे बहुत इजी हबो एंड मुआर किछ प्रोसीजर एंड मेथड किछ कहिनी आपन को डायरेक्ट एग्जांपल्स रे बुझैले आपन बुझी परिबे। एटी मु फास्ट 2x2 मैट्रिक्स पे गोटे एग्जांपल्स नहीं छि आपन देखंतु फास्ट एटी लिखि छि 2 3 4 7 ये गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 पचार छि फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। फास्ट हमें माइनर बाहर करिबा एंड देन हमें कोफैक्टर बाहर करिबा। माइनर बाहर करिया पे हेले तार फास्ट पोजीशन जानिबा बहुत आवश्यक। क्वेश्चन रे जो स्क्वायर मैट्रिक्स अच्छी मुता को फास्ट मोर ऑफ सीट रे लिखि दउची देन आमे तार पोजीशन विषय रे डिस्कशन करिबा। एबे मु एठी माइनर रो पोजीशन को फाइंड आउट करिवी। प्रथमे देखंतु एठी अछि 2, तेणु ए पोजिशन टा होची M11 पोजिशन, ए पोजिशन टा होची M12 पोजिशन, ए पोजिशन टा होची M21 पोजिशन एंड ए पोजिशन टा होची M22 पोजिशन। एठी M11 पई जदि मु माइनर बाहर करिवी ताहले आर जो करेस्पोंडिंग रो आ कॉलम अछि आको कैंसल आउट करिवी, मते जो एलिमेंट एठी मिलिबो ये हबो M11। देन M12 पई जदि मु माइनर बाहर करिवी ताहले 3 रो करेस्पोंडिंग रो आ कॉलम को मु कैंसल आउट करिवी, मते एबे मिलुची 4, ताहले सी हबो M12। अगेन M21 पई मु जदि माइनर बाहर करिवी ताहले तार करेस्पोंडिंग रो आ कॉलम को कैंसल आउट करिवी, मते एबे जो एलिमेंट टा मिलुची सी हबो M21। ताहले सिमिलरली M22 को मध्ये हम बाहर करि परबी। एई भली 7 रो करेस्पोंडिंग रो कॉलम को कैंसिल आउट करबी, मते एबे M22 मिलु छी 2। एबे मु माइनर रो जहा जहा वैल्यू पाइली ताको मु ता पोजीशन रे एबे प्लेस कर दउ छी। सो A इज इक्वल्स टू आई होप आपण माने बुझी पारथिबे केमदि माइनर बाहर करा जाए गोटे 2x2 मैट्रिक्स पई 3x3 मैट्रिक्स पई मु आपण को माइनर बाहर करिवा सिकेबी, किंतु ता पूर्वरु आमे 2x2 मैट्रिक्स रा आगे कोफैक्टर बाहर करिवा जानि नबा। कोफैक्टर बाहर करिया पई तार गोटे फार्मूला आछि, तार फार्मूला होउछि CIJ इज इक्वल्स टू -1 to the power i + j MIJ। ए MIJ होउछि माइनर एंड कोफैक्टर। ताहले चलंतु आमे वर्तमान कौन करिबा कोफैक्टर बाहर करिबा, ठीक अछि। ताले देखंतु कोफैक्टर रो मध्यम पोजीशन सेम रहिबो, एटा हबो C11 C12 C21 आउ C2। ताहले मु जदि एबे कोफैक्टर आर बाहर करिवि देखंतु C11 इज इक्वल्स टू -1 to the power 1 + 1 × M11। M11 रो वैल्यू आमे गिवन अछि जोटा कि होची माइनर, आमे ऑलरेडी फाइंड आउट करिचे, तेणु से वैल्यू को एठी पुट कर दबा। एठी माइनर रो वैल्यू 7 पुट कला परे एठी आस जाउची -1 रो स्क्वायर × 7 दैट इज 7। -1 to the power जदि इवन वैल्यू अछि ताहले आमको पॉजिटिव वैल्यू मिलिवो, जदि -1 to the power ऑड वैल्यू अछि ताहले आमको नेगेटिव वैल्यू मिलिवो। एठी देखंतु -1 रो स्क्वायर अछि तो -1 × -1 आमको पॉजिटिव वैल्यू मिलुची। एठी अगेन देखंतु मु जते बेले C12 रो कोफैक्टर बाहर करली -1 to the power 1 + 2 × 4 एंड देखंतु मते एठी ऑड वैल्यू मिलिला, अगेन -1 ही मिलिला, ताले -1 × 4 दैट इज -4। -1 to the power 2 + 1 × 3 देन मते ऑड वैल्यू मिलिला। सो ऑड वैल्यू यदि मु आसे त मल्टीप्लाई करबी देन मते एटी -3 मिलुजी। सिमिलरली C22 बाहर करबी, C22 पई -1 to the power 2 + 2 × जो वैल्यू हमर थिला माइनर, सी मल्टीप्लाई हबो
दैट इज टू हेन्स मते एठी पॉजिटिव वैल्यू मिलला दैट इज टू हेन्स मते जो को फैक्टर एठी मिलला मु ताको तार पोजीशन अकॉर्डिंगली फिक्स कर देबी दैट इज C11 C12 C21 एंड C2 मते एठी को फैक्टर रा जा वैल्यू मिलला मु पोजीशन अकॉर्डिंगली से वैल्यू को एठी पुट करली सो मते एठी मिलला को फैक्टर ऑलरेडी हम एठी माइनर को फाइंड आउट करथिले एबे चलंतु 3x3 मैट्रिक्स विषय डिस्कशन करिबा गोटे 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स रे तार फर्स्ट माइनर रो पोजीशन भी जानिबा बहुत आवश्यक ताहले देखंतु एटा होची फर्स्ट जो पोजीशन टा अछि एटा होची M11 पोजीशन एटा होची M12 पोजीशन एटा होची M13 पोजीशन एटा होची M21 पोजीशन एटा होची M22 पोजीशन एटा होची M23 पोजीशन एटा होची M31 पोजीशन एटा होची M32 पोजीशन एटा होची M33 पोजीशन आई होप आपण माने बुझी पारुथिबे ताहले एबे आमे आरो माइनर बाहर करिबा सिखिबा मु एबे जति M11 पई माइनर बाहर करिवि ताहले 1 रो करेस्पोंडिंग रो आ कॉलम को कैंसिल आउट करिवि देन मते गोटे सेकंड ऑर्डर रो स्क्वायर मैट्रिक्स मिलिबो ताहले मु सेकंड ऑर्डर रो स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करिवि देन मते माइनर मिलिबो एठी सो M11 पई मु एठी 1 रो करेस्पोंडिंग रो आ कॉलम को कैंसिल आउट करली मते 2 1 आउ 3 2 रो गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स मिलिला देन मु आको स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करली मते माइनर मिलिला अगेन मु जदी M12 पई जदी माइनर बाहर करबी ताले तार करेस्पोंडिंग रो आ कॉलम को रो एंड कॉलम को कैंसिल आउट करबी त मते एठी गोटे 3 1 आउ 1 2 रो मते गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स मिलिबो ए स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करले मते आरो माइनर मिलिबो आई होप आपण माने बुझी पारथिबे त 3 पई 3 पोजीशन बा M13 पोजीशन पई जदी मु आरो माइनर बाहर करबी ताहले मते आरो करेस्पोंडिंग रो आउ कॉलम को कैंसिल आउट कला परे मते गोटे 3 2 आउ 1 3 रो गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स मिलिबो एंड मु से स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करिकी M13 रो वैल्यू को फाइंड आउट करबी सो सिमिलरली M21 M22 M23 M31 M32 एंड M33 रो मु कंप्लीट एई भली भाबे माइनर बाहर करबी 3x3 मैट्रिक्स रो को फैक्टर मध्य 2x2 मैट्रिक्स रो को फैक्टर भली ही बाहरिबो तार फार्मूला मध्य सेम तेणु जदि आमे C11 पई एटी को फैक्टर बाहर करूचे ताहले ता वैल्यू सेम रहिबो -1 to the power 1 + 1 M11 आमे माइनर एटी बाहर करिचे ताहले ए वैल्यू एठी आसी मल्टीप्लाई हबो -1 to the power इवन पावर थिले पॉजिटिव हबो जदी एठी ऑड पावर अछि ताहले नेगेटिव हबो त मते एठी कोन मते एठी पॉजिटिव पावर मिलिबो -1 to the power 2 M11 ताहले मते एठी पॉजिटिव वैल्यू मिलुचि एठी मते -1 to the power 1 + 2 ये होजे ऑड वैल्यू ताहले ऑड वैल्यू हबो माने मते -1 मिलिबो एंड -1 आ जदी वैल्यू सहित मल्टीप्लाईड हबो ताहले एठी मते नेगेटिव वैल्यू मिलिबो जदि ए माइनर ऊपर डिपेंड करे जदि ये जदि हमर पॉजिटिव वैल्यू थिबो ताले नेगेटिव हबो जदि नेगेटिव वैल्यू थिबो ताले सही अकॉर्डिंगली ये नेगेटिव है कि ये पॉजिटिव वैल्यू दबो आई होप आपण माने बुझी पारुथिबे सो ये थिला माइनर एंड कोफैक्टर रो कंप्लीट